हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी को स्वागत करती हूँ एंडी लवली गार्डन में। तो देखिए, पुरचुलका के बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हुए हैं फ्रेंड्स इसमें, और इसमें से मैं कुछ ब्रांच तोड़ के एक दो जगह और लगा दी हूँ। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स, और ये हाइब्रिड है। ज़्यादा पानी से ये पौधा ख़राब हो जाते हैं। और इसमें देखिए, कुछ गुलहर के छोटे छोटे से ब्रांच लगाई थी फ्रेंड्स, इसमें दो नहीं लगे और दो अभी लग गए हैं, बहुत अच्छे ग्रोथ। और फ्रेंड्स, इस सब में भी छोटा छोटा पौधा उगाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज है संडे और मैं संडे अपडेट लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो जो गार्डन में अभी थोड़ा बहुत काम की हूँ वही आप सबके साथ शेयर करूँगी। और देखिए, ये वाला रेड कलर का बहुत कम पुरचुलका है, तो इसका कटिंग मैं बढ़ा रही हूँ, तो इसमें भी थोड़ा सा लगा दी हूँ। अभी खिले हुए थे तो ब्रांच का पता चल रहा था फ्रेंड्स। तो देखिए, ये बहुत कम है, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसका फूल का साइज़ थोड़ा छोटा होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस साइड हिबिस्कस है, बहुत अच्छे ग्रोथ पे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरे ज़रूर देखना, अगर थोड़ी भी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना बेल आइकन के साथ। तो देखिए, इस समय किसी कीड़े का अटैक हो गया फ्रेंड्स, देखने में नहीं आ रहा है। तो आज आई हूँ तो धूप तेज़ हो गया था फ्रेंड्स, तो स्प्रे नहीं की हूँ, और कल सुबह देखूँगी। तो देखिए, इसके पत्ते सब में छेद हो रहा है। अभी मिली बग्स का तो कुछ दिन पहले अटैक था, तो एक दो बार स्प्रे की तो उससे हट गए हैं। और अभी देखिए, कोई पत्ते काटने वाला कीड़ा इसमें आ गया होगा, अभी चुप गया है। ये सारे पुरचुलका बहुत अच्छे से अभी खिले हुए हैं फ्रेंड्स। अभी जैसे अब इस सब पौधे में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं रहा, काफ़ी दिनों से खिल रहा है। और एक अपडेट दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, इसमें जो व्हाइट अपराजिता लगाई थी उसका छोटा सा ब्रांच फ्रेंड्स यहाँ पे भी लगाई थी, और एक इसमें भी लगाई थी। तो देखिए, ये दो जगह पे कटिंग लग गए, और जो मेन मैं लगाई थी जो आप सबके साथ शेयर की थी, तो उसमें से एक भी पौधा नहीं लग पाया। उसका कारण फ्रेंड्स ये है, क्योंकि मैं प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगाई थी, उस टाइम बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो सारे पौधे गल गए फ्रेंड्स। और ये दो देखिए, दो पौधा लग गए, इसमें नए पत्ते आ गए हैं। तो अगर आप कोई भी कटिंग फ्रेंड्स बड़े से पौधे के नीचे लगाते हो तो बहुत अच्छे से लग जाता है, क्योंकि देखिए, मैं मेहंदी का भी दिखाई हूँ, और जितना मैं कटिंग लगाई हूँ तो अभी जो मुझे रिजल्ट मिला है, तो मुझे यही लगता है कि बड़े नीचे पौधे के नीचे ही अगर हम कटिंग लगाते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए, ये हिबिस्कस लगाने के बाद जैसे का तैसे ही है फ्रेंड्स, कोई भी इसमें ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इसको सोच रही हूँ कोई गुड़ाई करके थोड़ा सा खाद दे दूँ। ऊपर से जो पतले पतले ब्रांच है, तो जैसे मैं मोगरा को कट की तो नीचे से नए ब्रांच आना शुरू हो गया है, तो हो सकता है इसका भी हो। तो मैं दो चार दिन में ये काम करूँगी, और इसमें जितने पुरचुलका है उसे हटा के मैं किसी और में लगा दूँगी। इसमें एक कलर का ही लगा हुआ है, मैं कलर मुझे पता रहे इसीलिए इसमें लगाई हूँ। अब देखिए, छोटे छोटे जो पौधे उगाए थे सबको ऐसे, जो ग्रो बैग खाली था, जो पौधे सब लेती हूँ उसका, तो उसमें लगा दी हूँ। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बड़े से ग्रो बैग में हम इसको दे देंगे फ्रेंड्स। और देखिए, इस वाले हिबिस्कस में भी पत्ते ऐसे ही कटे हुए हैं फ्रेंड्स। तो बहुत सारे पौधे में ऐसे हो गए हैं। तो अभी मैं 4-5 दिन से किसी भी पौधे का स्प्रे नहीं की हूँ। तो देखिए, व्हाइट हिबिस्कस भी बहुत अच्छे ग्रोथ पे चल रहे हैं। देखिए, व्हाइट अपराजिता आज भी खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत इसके फूल लग रहे हैं फ्रेंड्स। और इसके बहुत सारे पौधे मेरे पास इस बार बन गए हैं, तो दो तीन तीन कटिंग से तैयार हुआ है, और तीन इसके नीचे था वो भी लगा दी हूँ। और देखिए, ये एक धतूरा का पौधा है, बीज से उगाए थे, छोटे से पौधे थे, मैं इसमें लगा दी थी, तो अब इसमें भी अच्छे ग्रोथ पे आ गए हैं। तो बारिश के टाइम में जितने भी बीज हम पहले डालते हैं फ्रेंड्स, वो सारे पौधे जिसे उगना रहता है वो सब उगाते हैं। और देखिए, इसमें कर्मी का, नारी का साग मैं ऊपर से ब्रांच तोड़ के लगा दी थी, तो ये भी लग गए। और देखिए, ये तेज़ धूप में रहने के कारण इसके पत्ते देखिए ख़राब हो गया है। तो मैं आज शाम में सोच रही हूँ इसमें फर्टिलाइज़र दे के फिर इसको पीछे के साइड ही रख दूँगी, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो ये पौधा तो ठीक चल रहा है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है फ्रेंड्स, तो इसको मुझे वहीं पे रखना पड़ेगा। तो अभी आज शाम में फर्टिलाइज़र दे दूँगी। और ये सिगोनियम भी अच्छे ग्रोथ पे आ रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, सुबह के टाइम में जब तक ये ऑफिस जाते हैं उसके बाद आती हूँ तो धूप तेज़ हो जाते हैं, तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है, सिर्फ पानी दे के चली जाती हूँ। तो देखिए सदाबहार में भी बहुत सारे बीज बने हुए हैं फ्रेंड्स, ये किस चीज़ का पौधा है आप कमेंट में अवश्य बताना। तो मुझे नहीं पता, ये अपने आप ही उगाया था गार्डन में, तो मैं यहाँ पे अलग करके लगा दी थी, तो ये भी बहुत अच्छे ग्रोथ पे आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताना अगर किसी को पता होगा तो। तो इधर पोर्चुलका बहुत अच्छे से खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स पोर्चुलका के फूल लगते हैं। और इसमें एक मेरीगोल्ड का बीज से उगाया है, बीज डाली थी, तो बीज तो बहुत सारे डाली थी, एक ही पौधा अभी है। और यहाँ देखिए वाइट पोर्चुलका बहुत सारे खिले हुए हैं। तो अभी पूरे गार्डन में इसी की बाहर आई हुई है और बहुत कम केयर में बहुत अच्छा पौधा है, तो ऐसे पौधे हमें ज़रूर ही लगाना चाहिए। और इस सब पे देखिए छोटे छोटे से पौधे हैं, और इसका देखिए इसमें नीले कलर का फूल आता है इसका है, इसमें गुलहर की कटिंग है, ये भी बहुत अच्छे से अभी चल रहे हैं। यहाँ सदाबहार की दो कटिंग लगाई थी तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ अजमैन का है और इसमें भी गुलहर का कटिंग है, तो मैं ऊपर के ही छोटे छोटे ब्रांच लेके लगाई थी फ्रेंड्स, तो उसमें कुछ में तो ग्रोथ दिखाई दे रहा है, कुछ ख़राब हो गए। ये तो गांव से लाई थी कटिंग, उसमें से सारे तो ख़राब हो गए, एक ही बचा, एक ये डबल पेटल वाले मेरे पास है उसका कटिंग लगाई थी, तो ये जो थोड़ा मोटा ब्रांच था पेंसिल साइज का वो लग गया, बाकी जो पतले थे वो नहीं लगा। और यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छे से सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं ज़्यादा खास काम नहीं की हूँ, और इस अभी मैं कोई पौधा भी नहीं ली हूँ फ्रेंड्स। और ये चंपा भी देखिए बहुत अच्छे से चल रहे हैं, नीचे जो मेरे चंपा लगा हुआ है फ्रेंड्स वो पौधा ख़राब हो रहा है, उसको मैं निकाल के फिर से देखूंगी, और अगर सही होगा तो मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। यहाँ देखिए मैं परवल का थोड़ा सा बीज डाल दी थी, जो परवल पीला हो गया था, तो देखिए इसमें एक पौधा उगाया है फ्रेंड्स। मैं इससे पहले भी बीज डाल दी थी, मैं डाली नहीं थी, वो कंपोस्ट इसमें डालती थी, तो जब मैं इसमें ये पौधा लगाने लगी थी तो उसमें ये पौधा दिखा, पर वो मुझसे कट गया था फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं इसके बाद इसमें यहाँ पर बीज डाली, तो देखिए फिर से एक पौधा उगाया है। ये दोनों अपराजिता का है, तो देखिए एक मेरे पास जो नीले वाला था उसे भी मैं इसी में लगा दी। ये हमारा हरसिंगार, देखिए मोगरा को कट की उसके बाद बहुत अच्छे से ग्रोथ पे आ गए हैं। और इसमें भी देखिए सारे पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ पे हैं, इसमें देखिए कितने सारे तुलसी है, इसमें से तुलसी का पौधा निकाल के मैं कई जगह लगाई भी हूँ, और इस सब पौधे के और निकाल के कहीं कहीं लगा दूँगी, और फिर से गुड़ाई करके मैं इसमें थोड़ा सर्दी का बीज डाल दूँगी। और देखिए हमारा ये अरबी का पौधा भी बहुत अच्छा से चल रहा है अभी, और इस साइड के सारे पौधे बहुत अच्छे से चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ग्लोई सब का पत्ते जितने ग्रीन थे पीले हो गए, और इसमें भी देखिए कुछ मेरीगोल्ड का है, एक ये अपराजिता भी कटिंग से ही लगा हुआ है फ्रेंड्स, कटिंग से मेरा पौधा तैयार हुआ है। और कनेर में भी आज एक फूल खिला हुआ है, तो इसके भी फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं फ्रेंड्स, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और इस साइड ज़्यादातर पिंक ही पोर्चुलका है, और देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत सारे खिले हुए हैं। और देखिए इस साइड, तो यहाँ पे भी इसमें पहले फ्रेंड्स मैं हल्दी लगाई थी, तो हल्दी नहीं उगा था काफ़ी दिनों तक, तो मैं इसमें पोर्चुलका लगा दी। अब देखिए इसमें हल्दी का दो तीन इसमें से पौधा निकल आया है, तो इसमें से मैं सोच रही हूँ कि कभी टाइम निकाल के पोर्चुलका हटा दूँगी, थोड़ा सा गुड़ाई करके खाद वाला मिट्टी डाल दूँगी, जिससे कि हल्दी का पौधा अच्छे ग्रोथ पे आ जाएगा। तो बस यही सब है फ्रेंड्स, कोई ख़ास काम नहीं की हूँ, पर जो भी है आप सबके सामने है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जितने इधर उधर पोर्चुलका लगा हुआ था तो बोतल में लगा के यहाँ पे रख दी हूँ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आई हो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।